नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। अपने आसपास सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। बारिश जगह जगह हो रही है, तो किसी भी जगह पर अपने घर की छत पर या कूलर में या घर पर की छत पर रखे पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए किसी भी बर्तन में पानी को इकट्ठा ना होने दें। समय समय पर सफाई करते रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। गमलों में भी पानी इकट्ठा ना होने दें और किसी भी पुरानी चीज़ में कोई टायर है या कोई भी बर्तन इस तरीके का है जिसमें आपको लगता है कि पानी वहाँ पर रुक सकता है और खड़ा रह सकता है, तो वहाँ पर आप जाकर सफाई करें, ध्यान रखें, नहीं तो डेंजरस डेंगू का डंक आपको भी लग सकता है। जी हाँ, पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से डेंगू का कहर जो है वो देखा जा रहा है, केवल एक जगह पर नहीं बल्कि तमाम जगहों पर डेंगू का डंक हम देख रहे हैं और डेंगू की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। और इसके पीछे मोटी वजह आप खुद जानते हैं और हर कोई जानता है कि डेंगू साफ पानी में ही पनपता है और बारिश के इस मौसम में हर साल हमें इस बीमारी से जूझना पड़ता है। तो अगर अपने आसपास आप साफ सफाई रखेंगे तो निश्चित तौर पर इससे बचाव हो सकता है। इसके अलावा और भी तमाम विषय हैं और भी तमाम सवाल हैं जो डेंगू के इस डंक के पीछे के बड़े कारण हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अलग अलग जगह की आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जहाँ पर डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। न सिर्फ केवल एक राज्य में बल्कि तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में ये जो है डेंगू का डंक और इससे परेशान लोगों की भीड़ और मरीजों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। नारनौल हरियाणा से, राजस्थान से पाली और हरियाणा से ही फतेहाबाद, यूपी से कन्नौज, अलीगढ़, हरदोई, ये अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति न आने पाए या आपको इस परिस्थिति में न जाना हो तो आपको अपने आसपास ध्यान रखना होगा, साफ सफाई रखनी होगी ताकि डेंजरस डेंगू से बचा जा सके। कहीं भी किसी भी जगह का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसमें बच रहा हो, यानी कि तमाम जगहों पर डेंगू जो अपने पैर पसार रहा है। तो इन तस्वीरों में आपने देखा कि कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि केवल किसी एक राज्य विशेष पर ही डेंगू अपना जो प्रकोप है वो फैला रहा हो, लेकिन तमाम जगहों पर ये प्रकोप हम देख रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं डेंगू के इस बीमारी या इस मौसम की वजह से, क्योंकि न सिर्फ डेंगू बल्कि वायरल बुखार भी बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ सवाल है बात उनकी जो खबर फास्ट आज उठा रहा है। तो डेंगू का बढ़ता वार, अस्पताल कितने तैयार हैं, यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा डेंगू से बढ़ते केस, स्वास्थ्य विभाग जो है वो कितना सचेत है और तैयारियां कैसी हैं, डेंजरस डेंगू के डंक से आप कैसे बचाव कर सकते हैं, ये बेहद जरूरी सवाल। और समय से पहले तैयारी क्यों नहीं की जाती है, डेंगू से बच्चों का बचाव कैसे किया जा सकता है, एक और महत्वपूर्ण सवाल, इसी पर हम बात करेंगे। और डेंगू का D2 स्ट्रेन कितना घातक है हमारे लिए, ये तमाम बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इनमें से किसी भी सवाल पर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम बात करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन कीजिएगा और अपना सवाल कोई उठाना चाहते हैं तो आप सवाल उठा सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। अपनी राय कोई रखना चाहते हैं आप राय रख सकते हैं, अपनी कोई भी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं वो आप साझा कर सकते हैं, इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार अपना प्रकोप जो है वो फैला रहा है, न केवल एक राज्य में बल्कि तमाम राज्यों में हमने देखा इसके जो है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसमें सबसे बेहद और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हम समय से पहले तैयार क्यों नहीं हो पाते हैं। हर साल इसी तरीके से ही हम परेशान होते हैं, डेंगू के केसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उनसे हम बात करेंगे। और डॉक्टर सतबीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DG हेल्थ। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर चतुर्वेदी आपसे जानना चाहता हूँ
डेंगू का प्रकोप है या वायरल दूसरा फीवर है, हम देखते हैं कि इस मौसम में अक्सर हमें इनसे जूझना ही पड़ता है। हमारी सरकारें हों, हमारे प्रशासन के लोग हों या हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, वो हमेशा कैंपेन चलाते हैं, पैसा बहुत खर्च होता है डेंगू से बचाव के लिए, कैंपेन चलाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर साल परिस्थितियाँ ठीक वैसी ही हो जाती हैं। और उसके बाद जो और बड़ी परिस्थिति होती है, जो और ज़्यादा चिंता में डाल देती है, वो ये है कि हमारे अस्पतालों पर फिर से लोड इतना बढ़ जाता है कि मरीज जितने हैं उससे कम हमारे पास बेड होते हैं, डॉक्टर्स तमाम सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों से आखिर हम कब तक जूझते रहेंगे और इसके पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, ये जो चर्चा है शर्मा जी, ये मतलब हम लोग हर साल करते हैं और बड़ी बड़ा दुख लगता है कि हमें मत बुलाइए, उन्हें बुलाइए जिस जो प्रिवेंशन के लिए जिम्मेदार है, उनको बुलाइए इस शो में, उनसे पूछिए कि रोड में गड्ढे क्यों हैं और यदि जहां पानी खड़ा होता है वहां पानी क्यों खड़ा हुआ है, आपकी पानी की टंकी में क्यों है। यदि अच्छी तरह सीरियसली किया जाए इस चीज को, ये नहीं कि पेपर में कर लिया कि सब चीज ठीक ठाक है, जब तक ये होता रहेगा हमारे देश में, आप ये समझ लीजिए जैसे आप कहते हैं ना कि भाई जो बहुत बड़े अच्छे क्लीन सिटीज हैं या क्लीन जगह हैं वहां ये प्रॉब्लम कम होती है, तो सबसे पहली चीज है प्रिवेंशन, हमें इस पे ध्यान देना ही होगा। और आप डॉक्टरों को बुला के क्या समझ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें बुखार होता है, ये इस मच्छर से होता है, ये मच्छर उसमें रहता है। नहीं नहीं, आपने डॉक्टर साहब बहुत सही बात कही है। देखिए, हम अक्सर इस पर, और मुझे मैं आपसे कुछ देर पहले एक MLA हैं जींद से, मैं उनसे बात कर रहा था और यही बात उनसे हो रही थी कि हम क्यों इस तरीके से परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं और हम सब मिलकर क्या इसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं या हमारी सोच वहां तक जा नहीं पा रही है कि हम प्रिवेंटिव कोई मेजर में वो कोई कदम उठा सकें, पहले से कोई तैयारी कर सकें, या हमें जब क्योंकि पता है हर साल ये बीमारियां आती हैं उसके बावजूद भी हम क्यों इसमें फंसे ही हुए इस चक्कर में। अरुण जी, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं आर्मी में था जी और 30-35 साल में आर्मी में रहा कि अंग्रेजों ने छोटा सा एक चीज किया था कि जो भी शाम होगी शाम के बाद आपको फुल शर्ट पहनना पड़ेगी, मतलब जो स्लीव है स्लीव रोल डाउन, मतलब स्लीव ऊपर नहीं कर सकते आप, स्लीव आपको नीचे रखना पड़ेगा। नाउ एक छोटा सा मेजर था मलेरिया के लिए, क्योंकि लाखों लोग मलेरिया से मर जाते थे। बिल्कुल। तो जब ऐसा होता था तो ज्यादा लोग बुलेट से कम मरते थे और मलेरिया से ज्यादा मरते थे। तो ऐसा ही डेंगू का है, जब तक आप प्रिवेंटिव मेजर्स को नहीं लाएंगे। देखिए, हमें मालूम है कि हमारा दुश्मन कौन है, वो मच्छर है, सबको मालूम है। ये मच्छर दूसरा किस्म का है, जो मलेरिया का मच्छर है वो तो गंदे पानी में होता है, ये एक साफ पानी में खड़े हुए पानी में होता है जो सब घर में है, आपके ऊपर टैंक चले जाइए। तो कोई ना कोई ऐसी चीज की जाए कि इसको प्रिवेंट किया जा सके, और यदि हम इसको नहीं करेंगे तो उसको इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। यदि हम समझ लीजिए प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं कर पाते, हमारी सोसाइटी इतनी पिछड़ी हुई है कि हम ये नहीं कर सकते, क्यों कि सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे मत रहिए, उनको बुलाइए जो इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो PWD एक महकमा है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जी, उसको पब्लिक हेल्थ, मतलब बेसिकली उन लोगों को बुलाइए जो इसके जिम्मेदार हैं, और उनसे पूछिए कि हर साल ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते ये चीज को। हाँ, यदि हो जाए डेंगू फिर क्या किया जाए। देखिए, एक चीज और बताता हूं आपने जी। हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ बड़े अस्पतालों को सरवाइव करने दिया है, छोटे अस्पतालों को हमने मौत के घाट उतार दिया है। आपके जो छोटे छोटे नर्सिंग होम थे, जो छोटे छोटे मोहल्लों में क्लिनिक थी, हमने क्या किया है उनके उनको इतने लाइसेंस लगाना पड़ता है। आज मैं यदि डॉक्टर हूं जी, और आज मैं गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूं जी, यदि मैं अपनी खुद की क्लिनिक खोलूं हाँ, तो मुझे 10 लाइस मैंने कम से कम 30 परमिशन चाहिए पड़ेगी। तो आपने क्या किया, छोटे अस्पतालों को खत्म कर दिया, छोटे जो 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 जो, जो आपके मोहल्ले में छोटे छोटे नर्सिंग होम थे वो सब बंद हो गए। तो एक डेंगू सरी की बीमारी के लिए, डेंगू मलेरिया, इसके लिए कोई गंगाराम हॉस्पिटल जाने की थोड़ी जरूरत है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक मोहल्ले के अस्पताल में जाना है, पर मोहल्ले के अस्पताल है कहाँ, आप बताइए।
आप बताइए अरुण शर्मा साहब के कहाँ है मोहल्ले के? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस बात पे कोई दो राय नहीं। और हमारी प्रॉब्लम, हमारी गवर्नमेंट सुने यदि तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको रिवाइव कीजिए, उनके जो गले में फांसी है कि आपको 30 परमिशन, आप आज फैक्ट्री खोल सकते हैं, आपको कोई परमिशन, बहुत कम परमिशन की जरूरत है, उसमें सिंगल डोर सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम तक भी आ गए हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है आप सिंगल विंडो पे आपको सारी परमिशन मिल जाएंगी। आप कल नर्सिंग होम खोल के देख लीजिए, आपको 30 परमिशन जरूरत पड़ेगी। एक नया लड़का मेडिकल कॉलेज से निकलता है, वो कहां घूमेगा सबके पीछे पीछे? आपने डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण दो सवाल इसमें उठा दिए। एक तो हम अपने लोकल लेवल पर, अपने गली मोहल्ले में अपने जो क्लिनिक्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं वो हमने उनको एकदम गायब कर दिया है, जहां और किसी भी आदमी को किसी छोटी बीमारी के लिए भी बड़े अस्पताल की तरफ भागना पड़ता है, वहां फिर लोड बढ़ जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा ये कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसके लिए जिम्मेदार है वो कहाँ तक चीजों को करते हैं और कहाँ लैक हो जाता है, इस पर हम डॉक्टर सतबीर चौधरी से बात करेंगे। सतबीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन एक दर्शक उससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं, रणबीर रोहतक से। रणबीर आप जुड़ गए, अपनी बात आप रख सकते हैं जो आप साझा करना चाहें हमारे साथ। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद चतुर्वेदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने अपनी बिल्कुल खुले मन से और खुले दिल से बेबाक बातें कही। थैंक यू जी, शुक्रिया रणबीर जी, आप जुड़े और आपने आपने बात को समझा और कहीं ना कहीं जागरूक एक दर्शक के तौर पर आप बात आपने रखी है और यही से जागरूकता नजर आती है। सतबीर जी अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमें क्यों बुलाएं आप और क्यों ना उन लोगों को बुला करके उनसे पूछें कि जो इसके जिम्मेदार है, और ये बात बिल्कुल सही है, और अक्सर हम इस तरीके से कार्यक्रम करते हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं प्रशासन के हों या फिर सरकार में बैठे लोग हों उनसे हम सवाल पूछते भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, हम कहां कमी छोड़ रहे हैं, कहां लूप होल्स हैं कि हम हर साल ठीक उसी पायदान पर आकर के खड़े हो जाते हैं जहां हम पिछले साल थे। और मुझे याद है कि लगातार पिछले 10 से 12 साल से जब जब हर साल इस तरीके की परिस्थितियां आई हैं, हम हर साल कार्यक्रम करते हैं, हर साल ठीक वही सवाल उठते हैं और फिर हर साल वही ढाक के तीन पात प्रशासन की तरफ से भी और फिर वही बोझ जो है वही बर्डन हमारे सरकारी अस्पतालों पर भी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अरुण शर्मा जी और जी आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय रहते प्रोग्राम दे दिया है और इससे जनता में अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी भी बता रहे थे कि यहाँ पर सबसे जरूरी है जनता में अवेयरनेस करना और सेकेंडली पानी ना खड़ा रहे, 7 दिन से 10 से ज्यादा कहीं पानी पर खड़ा ना रहे तो मच्छर पनपेगा नहीं। हम उल्टा जोर देते हैं, हम कहते हैं मच्छरों को मारो। एक मच्छर मारने से बात नहीं बनेगी क्योंकि एक मादा मच्छर लाखों में अंडे देती है। तो 10 दिन में वो एक मच्छर से लाख मच्छर हो जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कूलर में पानी ना हो, आपके आसपास पानी ना खड़ा रहे, जहां थोड़ा खड्डा बड़ा है उसको भर दिया जाए और अगर भर नहीं जा सकता तो उसको ड्रेन आउट कर दिया जाए और ड्रेन आउट नहीं किया जा सकता तो उसके ऊपर काला तेल डाल दिया जाए या कुछ ऐसे एंटी लार्विसाइडल ड्रग आती है उनकी परत बना दी जाए, तेल डाल दिया जाए या फिर आजकल मछली आ गई है वो लार्वे को खा जाती है, ये कुछ मैयर हैं बड़े तालाबों के। लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का काम, मतलब बेसिकली तो डॉक्टर चतुर्वेदी जो है ना ट्रीटिंग काम देखते हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया प्रिवेंटिव का। ये सारा मुद्दा प्रिवेंटिव है और प्रिवेंशन कोई भी संक्रामक रोग है, चाहे वो हवा बॉर्न है या ड्रॉपलेट बॉर्न है, चाहे पानी से बॉर्न है जैसे पोलियो हो गया, दस्त हो गए या टाइफाइड हो गया, या वेक्टर बॉर्न है जैसे कि मलेरिया हो गया या चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो गया। डेंगू से हम इसलिए ज्यादा डर रहे हैं कि इसमें फेटलिटी बहुत ज्यादा है और रैपिडली पेशेंट डिटेरियोरेट होता है, इसलिए इससे डरने की ज्यादा जरूरत है। तो जैसे डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि इसका सबसे अच्छा तरीका है लोगों में अवेयरनेस हो। अब क्योंकि कूलर की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो अब एसी ज्यादा आ गए, कूलर कम है, लेकिन जहां पर भी कूलर हैं, खास तौर से स्लम एरिया में, जिन एरिया में भी कूलर हैं, तो कूलर को साफ करके, अच्छी तरह साफ करके, सुखा करके उसको रख दिया जाए। और जहां पानी है, चाहे वो तोते के लिए पानी रखा हुआ है, बिल्कुल जानवर के लिए कोई भी पानी रख, या गमलों में रखा हुआ, आजकल लोग ये मनी प्लांट के अलावा बांस भी रखने लग गए हैं, उसमें भी पानी रखते हैं, वो सारा दूर किया जाए। पड़छत्ती में
या ऊपर कहीं ऐसी पानी की बोतलें पड़ी हैं जो बारिश आती है तो उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें भी ये मादा मच्छर जो है ना अंडे देगा, और एक मादा मच्छर से वो हजारों लाखों मच्छर हो जाएंगे। तो ये सबसे जरूरी है। और दूसरे डिपार्टमेंट का काम इसमें बहुत है, लेकिन उनको भी जैसे जैसे सरकार अगर अवेयरनेस नहीं कर रही तो आप अपने टीवी के माध्यम से अवेयरनेस कर रहे हो, इसी प्रकार चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, जितनी भी जो दूसरे जो महकमे हैं, नेचुरली उनकी प्रायोरिटी होती है अपना काम करना, उनकी खड्डा भरना, खड्डे में पानी ना रहे, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें उनको बार बार जोर देना पड़ेगा, हमें उनको बताना पड़ेगा कि आप ऐसे ऐसे काम करो, तभी वो काम करेंगे। तो बार बार प्रेशराइज हमें ही करना पड़ेगा, हमें जिला प्रशासन से साथ लेकर के या स्वास्थ्य मंत्री से या उच्च अधिकारियों से बार बार, कभी डीओ लिखवा दिया, कभी उनको थोड़ी सी डांट लगवा दी, कभी मीटिंग में थोड़ा सा बता दिया, उनको थोड़ा अवेयरनेस कर दिया। तो ये सारा काम हेल्थ डिपार्टमेंट ही करता है और करना चाहिए। सबसे गंदी बीमारी एक और हो गई है, जब प्यास लगती है तो हम कुआं खोदने चल पड़ते हैं। बिल्कुल, यही दिखाई दे रहा है। समय सबको पता है कि सितंबर में जा करके दशहरे से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले ये बीमारी आनी है। तो क्यों नहीं 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सभी कूलर जाके घर घर में जाके, चलो लोग नहीं मानते, हमारा वर्कर जाए, कोई लोग जाए, इसमें ये चीज होती है। देखिए, ये चीज होती है और हम अक्सर देखते हैं कि वो मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग हैं या वो स्वास्थ्य विभाग से आ रहे हैं तो वो कूलर में चेक करते हैं कि भाई कहीं लार्वा तो नहीं है। हालांकि कई जगहों पर उसमें फाइन तक की भी बात है कि अगर आपके कूलर में लार्वा है या किसी भी जगह पर पनप रहा है तो आपको फाइन भी हो सकता है, और वहां पर वो एक दवा भी दे करके जाते हैं कि कहीं भी इस तरीके का आपको लगे तो वो उसमें आप दवा भी समय समय पर डालते रहें। लेकिन इसके बावजूद मैं सवाल इसमें थोड़ा सा और आगे ले गया हूँ। हम हर साल प्रचार पर काफ़ी खर्च करते हैं, लोगों को अवेयर करने पर काफ़ी खर्च कर देते हैं, उसके बाद फिर वही बीमारी तो जाती नहीं है, मच्छर फिर पनपेंगे, बारिश फिर होगी क्योंकि पानी फिर खड़ा होगा। तो इसके बाद हम अपने अस्पतालों की तरफ जब देखते हैं, मैं अभी देख रहा था, हमारे अपने 6 अलग अलग जगहों की, जिलों की तस्वीरें दिखाई, अस्पतालों में लोग भरे पड़े हैं, अस्पतालों में इतनी जगह नहीं है कि और अगर पेशेंट्स आ जाएंगे तो डॉक्टर के पास भी उतना समय नहीं कि वो सब मरीजों को देख सके, और फिर दवाएं भी उतनी उपलब्ध नहीं है कि सबको दी ही जा सके, उनको फिर बाहर से लेनी पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा लगता है कि एक बार के लिए, कुछ समय के लिए कोलैप्स कर जाता है, क्या ये कहना गलत होगा? देखो, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब क्या होगा, जब बीमारी फैलती है ना, दिल्ली सरकार कहेगी कि केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार कहेगी दिल्ली सरकार की गलती है, इसी में 5-7 दिन निकाल देंगे। और अल्टीमेटली होता क्या है, हफ्ते 10 दिन की बात होती है, जब एकदम बीमारी तेजी से फैल रही होती है उस समय तो हम तैयार नहीं होते, और 10 दिन के बाद फिर सारी, जैसे आपने सेकंड वेव कोरोना में भी देखा, जबकि वो वेक्टर जनित बीमारी नहीं है जी। तो उसमें भी क्या था, उस समय तो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोगों का बुरा हाल हो रहा था। अब बाद में जगह जगह प्लांट खुल रहे हैं, कंसंट्रेशन सारा कुछ हो रहा है, तो हमें पहले तैयारी करनी चाहिए थी, 10-12 महीने हमें मिले थे। इसी प्रकार डेंगू में हमें हर साल 10-12 महीने मिलते हैं। अब जैसे ही बरसात शुरू होती है, ये जून इज मलेरिया मंथ, जुलाई इज एंटी डेंगू मंथ, ये सेलिब्रेटेड है और सेलिब्रेट करती भी है, पूरा महकमा सेलिब्रेट करता है डेंगू मंथ जुलाई में, उसके बाद अगस्त में, अब सितंबर आ गया तो जुलाई अगस्त में तो सोते रहो, सितंबर में आके जब बुरा हाल हो जाए फिर आप ये कहो जी ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो अगले साल होगा, वो ठीक है अगले साल होगा तब देखी जाएगी। एक और ट्रेंड है, गुड़गांव वाले कहेंगे दिल्ली के केस है, दिल्ली वाले कहेंगे गुड़गांव के केस है, इस चीज में उलझे रहेंगे और बातें बनाते रहेंगे काम करने इसमें, की इसमें ये बड़ी परेशानी की बात है। डॉक्टर चतुर्वेदी, एक चीज और आप बताइए, हालांकि अभी आप जो पहले बता रहे थे ये बड़ी वाजिब बात है और इस पर ध्यान देने की जरूरत भी है, और हम क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से एक कैंपेन इस पर कर भी रहे हैं ताकि लोगों में भी जागरूकता आए और प्रशासन भी इस पर जवाबदेह बने कि जहां जहां बारिश का पानी पब्लिक प्लेसेस पर इकट्ठा है तो वहां प्रशासन जाकर के ध्यान दे ताकि वहां पर चीजें खराब स्थिति में ना चली जाएं। लेकिन हम इससे थोड़ा आगे जाते हैं डॉक्टर चतुर्वेदी, और आपके अनुभव को हम और उसका भी थोड़ा फायदा हमारे दर्शकों को भी मिले। अब अगर डेंगू की बात आती है कि हो जाता है, ठीक है सर, बच्चों में भी हो रहा है और बच्चे भी इससे काफी परेशान हो रहे हैं और ये जो है बुरी तरह तोड़ देता है शरीर को भी, इसके बाद की जो डेंगू हो जाने के बाद की जो परिस्थितियां, उसमें लोग किन किन चीजों का खास ध्यान रखें ताकि हम जो है
प्रशासन की वजह से जो चीजें हो गई सो हो गई, लेकिन अब अपनी तरफ से जो है चीजों को और बेहतर कर सके या शरीर को जल्द स्वस्थ कर सके। देखिए अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि ये काम ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ही हमेशा करती रहे। अरे भाई आपके पास सामने पानी खड़ा है तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही तो बात। पहली चीज तो एक पर्सनल लेवल पे करते रहिए, जो भी प्रयास आप कर सकते हैं वो करते रहिए। एक तो चौधरी साहब ने बोला तो बहुत अच्छा चीज बोला ये कि हम लोग खुद कर सकते हैं। दूसरा यदि आपको बुखार हो जाए तो आप बहुत बड़े अस्पताल में, अब मैं गंगाराम में काम करता हूँ कोई अपोलो में काम करता है, वहां दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये वायरसेस बहुत दिनों से मौजूद हैं सोसाइटी में। हाँ। देखिए एक जिसको हम एक जमाने में बोलते थे वायरल फीवर, डॉक्टर साहब भी बहुत सीनियर हैं। ये वायरल फीवर धीरे धीरे वायरसेस के प्रकार खोजे गए कि भाई ये वायरस कोरोना है, ये वायरस चिकनगुनिया है और ये वायरस डेंगू है। तो डेंगू और चिकनगुनिया में अंतर क्या है कि चिकनगुनिया में आपको बहुत दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, बुखार होगा। सब पहले तो जितने वायरल फीवर हैं सब में बुखार होगा, जो भी वायरस है। हाँ। ज्यादातर सभी में बुखार होगा। हाँ। अब आप कहेंगे फिर मुझे डेंगू कैसे पहचानेंगे और डेंगू क्यों डेंजरस है। डेंगू इसलिए डेंजरस है कि डेंगू से, जिसे कहते हैं ना, डेंगू से प्लेटलेट काउंट्स कम हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है और मल्टीपल ऑर्गन का फेलियर हो सकता है, तो शॉक सिंड्रोम्स हो सकते हैं। इनफैक्ट जब तक आपका कोई नियर डियर वन इससे नहीं प्रभावित होता या मरता आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। एक मेरा दोस्त था, मुझे अभी भी याद है जी, जो मेरे बचपन से मेरे आर्मी में था। हाँ। और आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सडनली रात में ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, और जब ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया तो ही डाइड ऑफ ब्लीडिंग। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चिकनगुनिया और डेंगू को पहचानना दोनों को अलग अलग बहुत जरूरी है। यदि चिकनगुनिया है तो आपको कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। आपको जोड़ों के इश्यू हो सकते हैं, मैं जोड़ों का डॉक्टर हूं, मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूं गंगाराम जी, में जी। तो वो ज्यादा परेशान, बट डेंगू जो है उसको पहचानने के लिए इसलिए डेंगू का टेस्ट करना जरूरी है। हाँ। अब भाई डेंगू का टेस्ट क्या होता है, अब हमें कोरोना ने सिखा दिया कि यदि शुरू में आप आते हैं 2-3 दिन में तो आप एक जो आपका जो डेंगू का एंटीजन टेस्ट किया जा सकता है। हाँ। और आप बाद में आएंगे तो एंटीबॉडी टेस्ट किया जा सकता है। दोनों टेस्ट करीब 1000 रुपीज कॉस्ट करते हैं, पर याद रखिए कि हर आदमी का प्लेटलेट काउंट डाउन नहीं होगा, हर आदमी बहुत रेयर है। तो इसीलिए इतना मत घबराइए कि मुझे डेंगू हो गया। हाँ, नॉलेज बहुत अच्छी चीज है। यदि मुझे डेंगू हो जाए तो मैं हमेशा सोचूंगा कि यार मेरा प्लेटलेट काउंट तो डाउन नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम क्या करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा प्लेटलेट काउंट को पीरियडिकली का मतलब है कि मैं हर सप्ताह में करा लूंगा। हाँ। और यदि आपके पास समझ लीजिए सुविधा नहीं है प्लेटलेट काउंट करने की। हाँ। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रहा है, स्किन में ब्लीड होती है तो स्किन में छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं जिसको हम लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं परप्यूरिक स्पॉट्स। हाँ। या फिर कभी छोटी मोटी ब्लीडिंग नाक में होने लगे, दांत में होने लगे, या बहुत मैसिव ब्लीडिंग होगी तो फिर तो ऑर्गन्स में कभी हो जाए, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो ब्रेन के सिम्टम्स होंगे, पेट में ब्लीडिंग हो जाए तो पेट के सिम्टम्स होंगे, आंख में ब्लीडिंग हो जाए तो आंख के सिम्टम्स होंगे। तो डेंगू का सबसे खतरनाक चीज यह है कि डेंगू से प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं जी। तो 100 में से 90 लोगों का तो कुछ नहीं होना। हाँ। 90 ठीक हो जाएंगे तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी 10% को ध्यान रखना होगा। वॉच रखें। Keep a watch। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्ण जी टोहाना से। कृष्ण जी आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हो, कोई सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी कृष्ण जी आप जुड़ गए हैं, आपको आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सतवीर एक चीज और, जो अभी शुरुआत में इस चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताई कि जो लोकल मोहल्ले के क्लिनिक्स की बात हो या वहाँ पर डिस्पेंसरीज की बात हो, वहाँ बहुत ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत होती है कोई भी अगर डॉक्टर खोलना चाहता है, तो क्या इन चीज़ों को भी अब ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मोहल्ला लेवल पर गली लेवल तक लेकर के जाया जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को भागना नहीं पड़े बड़े अस्पताल में, ताकि वहाँ पर और ज़्यादा बर्डन या लोड ना आ जाए। इस पॉइंट पर आप किस तरीके से सोचते हैं, बड़े संक्षेप में अगर आप समझा सके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप बड़े अच्छे से देखते रहे। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात बताई, जबकि वो इससे आज के टॉपिक से रिलेटेड शायद ना हो जाता। तो ये सच्चाई है कि पिछले 10-20 साल में
जो मेट्रो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो बहुत ज्यादा पनप गए हैं, और जो भी हमारी हेल्थ की पॉलिसीज हैं वो मेट्रो के बेनिफिट में ज्यादा जा रहे हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी करती है, इंश्योरेंस है, वो उसमें कंडीशन ऐसी हैं कि वो छोटा मोटा जो फैमिली, जो पहले फैमिली फिजिशियन कंसेप्ट होता था जी, जो सिंपल डॉक्टर होता था, घर का डॉक्टर होता था, वो कंसेप्ट सरकार की पॉलिसी ऐसी खराब हो गई है। मतलब ये फोरम नहीं है सरकार की पॉलिसी कंडेम करने के लिए, कुछ करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये बात, वो बहुत सीनियर हैं, इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी के अथॉरिटी हैं, उन्होंने ये बात उठाई है, बिल्कुल ठीक बात है। ये सरकार को, एक्चुअली सरकार का काम है लोगों को बेसिक हेल्थ देना, जहाँ पर लोग डायरिया से मर जाते हैं, जहाँ पर लोग माल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं, सिंपल बुखार से मर जाते हैं, वहाँ आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बना करके, चाहे मैक्स हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल हैं, वो बना करके आप ये कहो कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार कर दिया है, तो ये मानने वाली बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों में या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहरों में इस टाइप के हॉस्पिटल आ गए हैं। पहले 20 साल पहले 15 साल मुझे याद है कि जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से पेशेंट को रेफर किया जाता था मेडिकल कॉलेज में, तो वो सिविल अस्पताल में आते थे पहले, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर नहीं, सीधा पीजीआई नहीं जाते थे, सीधा मेडिकल कॉलेज नहीं जाते थे। अब उल्टा हो गया है, अब सिविल अस्पताल से किसी पेशेंट को, जैसे गुड़गांव में ले लो आप, गुड़गांव में इतने हॉस्पिटल बन गए हैं कि सिविल हॉस्पिटल की कोई कीमत ही नहीं रही, या फरीदाबाद में देख लो, या आप दिल्ली के ही सरकारी हॉस्पिटल देख लो कि उनकी कीमत ये हो गई है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद इलाज करने के लिए मेदांता में जाते हैं, हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के जब फ्रैक्चर होता है तो मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में जाते हैं। इसका मतलब उनको खुद सरकार को ही इतबार नहीं है कि हमारे सरकारी अस्पताल अपडेटेड हैं, ये करने की बजाय कि अपने सरकारी अस्पताल अपडेट करें, उनको ठीक करें, वो प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। तो ये डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया था, मैंने पहले इस पे जान के जवाब नहीं दिया जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया था कि ये गलत पॉलिसी है, ये चेंज होनी चाहिए। सरकार को बेसिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिक सर्विसेज की तरह ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशलाइज सर्विसेज तो अपने आप हो ही रही है वो। बिल्कुल, ये क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण विषय है इस पर जो डॉक्टर साहब ने शुरुआत इसकी करी थी। डॉक्टर चतुर्वेदी, चलते चलते केवल चंद शब्दों में अगर आप ये बता सकें, ठीक है आपने सारी चीजों के बारे में बताया, लेकिन अभी मान लीजिए कि डेंगू किसी को नहीं है, लेकिन ये मौसम ऐसा है, पता नहीं चलेगा डेंगू का मच्छर कहाँ से आएगा, आपको काट कर चला गया और आप बीमार होंगे, दो तीन दिन के बाद आपको पता चलेगा, तो पहले ही हम किस तरीके की चीजों का ध्यान रखें, अपने खाने पीने में किन चीजों को बढ़ा लें, ताकि अगर कुछ भी इस तरीके से मच्छर काट करके जाता है तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में जाने से बच जाएं। पहले तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि ये एक वायरल डिजीज है और मच्छर से होती है, तो कोई इसका कोई कहे कि मैं खरबूजा खाने से बच जाऊंगा या ऐसा नहीं, ये तो इन्फेक्शन है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो पहलवान हो, चाहे जिसको कहते हैं ना कि भाई कमजोर को हर कोई सताता है, यदि आप कमजोर होंगे तो बीमारी आपको ज्यादा परेशान करेगी, आपकी ज्यादा सीरियस होगी। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है इसकी, कोई कहता है कि स्पेसिफिक डाइट है तो कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है। हाँ, यदि आप मच्छरों से बच सकते हैं, कोई भी जो हम सबको मालूम है, चाहे मच्छरदानी लगाएं, चाहे कोई एंटी रिपेलेंट ऑयल लगाएं, चाहे मच्छरों को हम पनपने ना दें, या वो जो चीजें हैं कि डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि भाई आप ऑयल लगा सकते हैं, मतलब पूरी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। यदि आपको पानी जगह खड़ा हुआ है और आप पानी नहीं निकाल सकते उसको, तो चलिए उसके ऊपर केरोसिन तो डाल सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। बुखार हो जाए तो बहुत आसान है तरीका, फिर ये नहीं कि हर आदमी टेस्ट करने भागता जाए जी। नॉर्मल दवाइयां पैरासिटामोल खा सकते हैं, खूब पानी पी सकते हैं, ठीक है, और हर वीक में एक टेस्ट करा सकते हैं प्लेटलेट्स का, ताकि हम ध्यान शक है, ताकि चीजों ताकि हम मतलब अपने अपनी बॉडी का ध्यान रख सके, अगर टेस्ट करवाते रहेंगे चीजों का पता चलता रहेगा, चलिए अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, 90% अपने आप ठीक हो जाएगा, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अल्टीमेटली जो इस चर्चा से निकल करके आया, जागरूकता लोगों में स्वयं होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप दोनों जुड़े और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने अपने एक्सपर्ट राय जो हमारे साथ रखी, बहुत शुक्रिया सर। तो अल्टीमेटली एक चीज को ध्यान में रखना है, अपने आसपास का साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, सफाई रखें और डेंगू से बचकर रहें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।